भारतीय वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के पार कई आतंकवादी कैंपों को तबाह किया है। भारतीय वायुसेना ने आज पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। भारतीय वायुसेना ने आज कंट्रोल रेखा को पार कर पीओके में कई आतंकी कैंपों पर हमला किया। इस हमले में कंट्रोल रेखा पार बालकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में आतंकी लॉन्च पैड पूरी तरह से तबाह किए गए। पुलवामा के आतंकी हमले का बदला लेने पर राहुल गांधी ने भारतीय वायुसेना के पायलटों को सलाम किया है। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज तड़के राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के घर पर छापेमारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 दिन में दूसरी बार राजस्थान का दौरा करेंगे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 के एक ग्रुप ने LOC के पार नियंत्रण रेखा के पार आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि 1000 किलो के बम आतंकी कैंपों पर गिराए गए। केरल के पास चेन्नई मंगलोर एक्सप्रेस के दो बोगियां पटरी से उतर गई। ये घटना तब हुई जब ट्रेन स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रही थी।